हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर मीना मिश्रा, सिटी लॉ कॉलेज से, और मैं आपको लॉ ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, यानी इतिहास की मैं प्रवक्ता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम एलएलबी ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला यूनिट डिस्कस करेंगे, इसको जानने से पहले ये जानकारी ले लें कि आमतौर पे जो एक जनरल हिस्ट्री यानी कि सामान्य इतिहास के स्टूडेंट होते हैं, उनसे आपकी जो स्टडी होगी यानी जो आपको पढ़ना होगा, उस इतिहास में थोड़ी सी चेंजेस होंगी। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट सामान्य इतिहास की जानकारी रखता है तो उनको इतिहास के बड़े ही वृहद जानकारी को रखना होता है, लेकिन आप जो पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर चीज़ें विधि संबंधी होंगी, यानी वही बातें ज़्यादा फोकस की जाएंगी जिनमें विधि से संबंधित चीज़ें आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट जो हमारा है उसमें पहला टॉपिक हमारा आता है हिस्ट्री मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी इतिहास अर्थ तथा परिभाषा। आज हम अपने इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले, इस पर विचार करने से पहले, मैं आपके साथ ज़रा इन सारे टॉपिक्स का एक परिचय करा दूं। एक हम जान लें कि पहले यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला यूनिट जो है, इसमें पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी इतिहास अर्थ और परिभाषा, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेकेंड है आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, यानी कि जो इतिहास के स्रोत होते हैं उसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तीसरा जो है वो है कालक्रम निर्धारण है, इसमें मेथोडोलॉजी यानी कि कार्य प्रणाली, इतिहास को जानने के लिए जो कार्य प्रणाली अपनाई जाती है, यानी इतिहास के बारे में किन किन तरीकों से हम जानकारी ले सकते हैं, उनके बारे में जो जानकारी हम जुटाते हैं कि कोई भी तथ्य साक्ष्य जो हमें मिला है वह कितना पुराना है और कैसे हम उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाल पाते हैं, ये हम मेथोडोलॉजी में सीखते हैं। जिसमें देखिए पहला है डेटिंग मेथड यानी कि काल निर्धारण, न्यूमिस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र, मेन इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड स्क्रिप्ट यानी कि अभिलेख, पांडुलिपियां, पुरालेख, पुरालेख विद्या और लिपियां, वो स्रोत जिनसे हम इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक आता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ, यानी इतिहास का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट पे। और हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी यानी इतिहास और समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, उसके बाद इतिहास और अर्थशास्त्र। लास्ट जो हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक होगा वो होगा साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिशियन, यानी कि वैज्ञानिक, गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री और खगोल शास्त्रियों के बारे में हम जानकारी लेंगे, जो कि हमारे प्राचीन इंडिया में रहते थे, प्राचीन भारत में रहते थे, जिनमें से हम चुनेंगे आर्यभट्ट को, ब्रह्मगुप्ता, भास्कर प्रथम, वाराहमिहिर, चरक और सुश्रुत को। तो ये जो पहला यूनिट है, ये सारे टॉपिक आपके 9 लेक्चर में कंप्लीट होंगे, जिसमें से आज हमारा पहला लेक्चर यहाँ रहेगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि हिस्ट्री जो लीगल स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनमें, और एक जनरल जो स्टूडेंट इंग्लिश पढ़, सॉरी हिस्ट्री पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, उनमें थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जब हम इतिहास का परिचय लेते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है, तो हमें शुरू से उसकी जानकारी रखनी पड़ती है। पहला देखिए हमारा आता है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन से, कि ये जान लीजिए, ये जरूरी भी है कि इस यूनिट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस कंपलसरी यानी कि रिपीट होते रहते हैं, कौन क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको समझना और जानना जरूरी होता है। तो देखिए, अगर हम नजर डालते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे, पूर्ववर्ती जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो है इतिहास का अर्थ और परिभाषा, अगर हम इनके वर्ष पे नजर डालते हैं तो ये देखिए बार बार इसको रिपीट किया गया है। दूसरा है ईएच कार के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है, ये 2015 में
पूछा गया। इतिहास की विधि के साथ संबंध की व्याख्या कीजिए, फिर इतिहास के पुनर्लेखन में पुरातात्विक स्रोतों का विवेचना कीजिए और फिर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में शुश्रुत के योगदानों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, और जो शॉर्ट क्वेश्चन में है उसमें C14 डेटिंग यानी कि काल निर्धारण में C14 का क्या कार्यप्रणाली है, और दूसरा है आर्यभट्ट के ऊपर। तो ये क्वेश्चंस हैं, और आपको जो याद रखने की बात है वो ये है कि जिस भी तरीके से प्रश्न को पूछा जाए आपको उसी अनुसार अपने आंसर को, अपने उत्तर को लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला हमारा रहेगा कि हिस्ट्री मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या है इतिहास, क्यों जानते हैं हम इतिहास को, क्या जानकारी लेते हैं और क्यों पढ़ते हैं। तो अगर हम इतिहास के बारे में भूमिका से बात अपनी शुरू करें तो देखेंगे कि यहाँ देखिए साफ लिखा है मैंने कि इतिहास वह विषय है जिसमें किसी देश, समाज तथा मानव से संबंधित विगत सभी घटनाओं का उल्लेख है। ध्यान दीजिए, विगत सभी घटनाओं का उल्लेख है, यानी कि पास्ट में, अतीत में या बीत चुके काल में जो कुछ घटनाएं किसी समाज में, किसी देश में, किसी भी मानव से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। और अगर हम दूसरा एक देते हैं तो इतिहास वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन है। इसमें जो कुछ आज हम हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में हम विगत घटनाएं जो घटी हुई हैं, जो पास्ट में हुई हैं, उनका अध्ययन जो करते हैं वही इतिहास है। तो इतिहास को जानने के लिए पहले हम देखें इतिहास का अर्थ क्या है, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है और काफी वास्ट है इतिहास, काफी बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत महत्व है इसका। तो देखते हैं पहले कि इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास का अर्थ जानना जरूरी है, जैसा मैंने पहले ही लिख रखा है इसमें कि इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इतिहास का अर्थ क्या है। तो अगर हम हिस्ट्री को इंग्लिश और हिंदी दोनों में उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका अर्थ कैसे क्या बनता है ये देखते हैं। तो इतिहास को अगर हम इतिहास शब्द से उसका अर्थ निकालें तो इति धन ह धन आस, इससे अर्थ निकलता है, जिसमें इति का अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही, ह का अर्थ है सचमुच, और आस मतलब है निरंतर रहना या बोधना, यानी सचमुच जैसा जो कुछ हुआ वही होता है, वही घटनाओं के व्यवस्थित क्रम में वर्णन इतिहास है। ग्रीस के लोग जो रहते थे वो इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे और इतिहासकार के लिए हिस्टोरी बोलते थे। तो ग्रीस ऐसी जगह जहां पर इतिहास सबसे पहले बोला जाने वाला शब्द था, या वहां इसके बारे में पहले कहते हैं कि उल्लेख हुआ है। और देखिए हिस्ट्री का जो शाब्दिक अर्थ क्या था, बुनना, यानी कि जो घटनाएं थी विगत काल में, जो घटनाएं हुई हैं उनको सुव्यवस्थित रूप से बुनकर, यानी बुनकर मतलब बुनना मतलब क्या होता है, काल क्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित क्रम में रखना, घटनाओं को व्यवस्थित क्रम में रखना, ये होता है इतिहास का लिखना और यही होता है इतिहास। किसी भी घटना को या किसी भी जानकारी को कहीं से उठाकर रख दिया जाएगा तो उसे इतिहास नहीं मानेंगे, बल्कि उसके लिए काल, समय, तथ्य, साक्ष्य सबको रखकर सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही इतिहास है। हिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग होता है ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, हिस्टोरिया यानी कि जानकारी, और हिस्टोरिया शब्द जो है वो यूनान में, ग्रीक में हेरोडोटस जो थे उन्होंने हिस्टोरिका नाम की बुक में हिस्टोरिया रखा है, और यही वजह है कि यूनानी जो इतिहासकार हेरोडोटस हैं उनको इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है लोगों के जो ज्ञान में है कि यहीं से शब्द आया है। अब देखते हैं हम कि इतिहास के जो प्रयोग है इतिहास का वो दो अर्थों में विशेष स्तर पे किया जाता है। पहला क्या है कि पहला है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं, और दूसरा क्या होता है उन घटनाओं के विषय में धारणा। ठीक है, उन घटनाओं के विषय में धारणा, यानी पहले तो घटनाएं घट चुकी हैं और उनके बारे में क्या धारणाएं हमारी बनी है। अब आते हैं, देखते हैं हमारा एक पॉइंट आता है इसमें कि हिस्ट्री जो है यानी इतिहास, उसकी उत्पत्ति कहाँ है, इसका ओरिजिन कहाँ से लिया गया है। तो इतिहास
शब्द को अगर हम देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इतिहास शब्द का वर्णन मिलता है। अगर हम अपने वेदों में देखें तो अथर्ववेद में इतिहास का वर्णन हमें इतिहास शब्द का उल्लेख मिला है और उपनिषदों में इतिहास को पांचवा वेद माना गया है। चार वेद हमारे जो हिंदू धर्म में माने गए हैं उसके अलावा इतिहास को पांचवा ग्रंथ भी पांचवा वेद भी माना गया है। अंग्रेजी में इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं जैसा आप जानते हैं और ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। अब देखिए हिस्टोरिया का क्या मतलब होता है कि छानबीन करके या खोजबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसे ही ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं। फिर आते हैं इतिहास की विशेषता क्या है, यानी कि कौन से ऐसे लक्षण है जिससे हम कह सकते हैं कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ है या यह इतिहास लेखन है या ये इतिहास है। तो इसमें साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन करना और काल क्रम के अनुसार उसका विवरण लिखना ये इतिहास की विशेषता मानी जाती है। साथ ही थोड़ा हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि इतिहास की विशेषता के साथ इतिहास पढ़ना जरूरी क्यों है, इतिहास से हमें क्या पता चलता है, हम अपने इतिहास से क्या जानते हैं। तो इतिहास देखिए हमें विगत काल की बारे में सारी घटनाएं बताता है। किसी भी देश के प्राचीन जो स्थिति थी या जो भी कंडीशन थे, जो भी उनकी उत्पत्ति, किसी भी देश की उत्पत्ति कैसे हुई, वहाँ शुरुआत के लोग कैसे थे, किसी भी समाज में मनुष्य का कैसे उद्भव और विकास हुआ, उन लोगों ने कैसे जीवन को जीना सीखा, कैसे उन्होंने खेती के साथ परिचय किया, कैसे उन्होंने खाने के लिए रिवॉल्यूशन उसमें कैसे चेंजेस आए, कच्चे मांस से लेकर फल पत्तियों से लेकर पके हुए भोजन तक आग का निर्माण, आग का उत्पन्न होना, फिर सुसभ्य समाज का निर्माण, समाज में रहना, ये सारी चीजें। और साथ में हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है प्राचीन काल में राजनीतिक अवस्था क्या थी, सामाजिक अवस्था क्या थी, धार्मिक क्या स्थितियां थी और उसके बाद आर्थिक क्या सिचुएशन थे, ये सभी चीजें हमें इतिहास से मिलती हैं। और अगर हम देखें तो इतिहास इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारा, इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसमें सभी विषयों का सार समाया है। यानी अगर हम इतिहास में देखें तो सभी विषय कहीं ना कहीं इतिहास से ही निकले हैं। ऐतिहासिक चीजों को अगर हम हटा दें तो ये जो हमारे बाकी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपके लॉ के सब्जेक्ट देख लीजिए, इकोनॉमिक्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो आपका समाजशास्त्र है, साइकोलॉजी है, लॉ है, विधि, ये सभी, राजनीतिक शास्त्र, ये सभी कहीं ना कहीं इतिहास से संबंधित है। इनकी उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं इतिहास में ही है। समाज की अवधारणा, समाज के बनने, मनुष्य के सुसभ्य होने और मनुष्य के आगे बढ़ने, उसके विकसित होने के बाद एक समाज की रूपरेखा, फिर उस समाज में किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने और अपने ग्रुप को, अपने समूह को मॉनिटर करने, पहले राजा और उस राजा की राजनीति, राजतंत्र, लोकतंत्र, इन सबसे राजनीति शास्त्र, फिर लेन देन, व्यापार, वाणिज्य, ये कहाँ से पता चला, ये सारी चीजें हमें इतिहास से ही पता चलती हैं। यदि हमें अपना इतिहास नहीं पता है तो हम भविष्य की क्या परिकल्पना कर सकते हैं। तो इतिहास जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अब ये देखते हैं आगे कि इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, आज के समय में इतिहास की क्या अवधारणा है, क्यों इतिहास जरूरी है। तो यहाँ देखिए, इतिहास का उद्देश्य छात्रों को वर्तमान मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करना है। इतिहास की जानकारी के बिना हम अपने धर्म, सीमा शुल्क, संस्था, प्रशासन, राजनीति, किसी की पृष्ठभूमि नहीं समझ सकते। इतिहास की शिक्षा छात्रों को वर्तमान को समझाने और इसका विश्लेषण करने और इसके पाठ्यक्रम का पता लगाने में मदद करती है। यानी अगर हम इतिहास को जानते हैं तभी हम विगत की घटनाओं और उनसे सीखे सबक के अनुसार आगे आने वाली घटनाओं के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और उनको समझने में हमें मदद मिलती है। अतीत और वर्तमान के बीच कारण और प्रभाव संबंध इतिहास में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। जो कुछ बीत चुका है और जो आज वर्तमान है, इसके बीच की जो कड़ी है, वो जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। और इतिहास जो है, मैं
हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर जो आज वर्तमान समस्याएं हैं उनको समझने के लिए कि जो आज समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, उसके प्राचीन समय में उसके पृष्ठभूमि में क्या कारण रही होंगी, ये सारी चीजें हमें इतिहास से ही जानने को मिलती हैं। तो फिर से चलिए एक नजर जैसा डालते हैं कि इतिहास, तो इतिहास वही इतिहास विषय है जो किसी देश, मानव या उसे संबंधित विगत सभी घटनाओं के का उल्लेख करता है। अगर हम अर्थ में जाते हैं तो इतिहास यानी इति धन ह धन आस यानी निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अगर हम हिस्ट्री का लेते हैं तो हिस्ट्री शब्द जो है सबसे पहले हिस्ट्री यानी ग्रीक में इस्तेमाल हुआ था, जहां हिस्ट्री का मतलब होता है बुनना और हिस्टोरे इतिहासकारों के लिए यूज किया जाता था वर्ड। इसीलिए हेरोडोटस जब उन्होंने पहली बार हिस्टोरिका में हिस्टोरिया शब्द को रखा तो उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक कहते हैं। और अब आता है दूसरा कि इतिहास जो है इसमें जो व्यापकता इतिहास की है यानी कि पूरे विश्व में अगर हम देखें या पूरे भारत के हम देखें तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का जो इतिहास अब तक का बीता हुआ जो कल था उसके बृहद जो व्यापक हमें अध्ययन करते हैं तो एक साथ अध्ययन बहुत कठिन हो जाता है। और इसीलिए इसकी व्यापकता को देखते हुए हमने जो इतिहास के अध्ययन हमें जो करना है वो तीन भागों में बटा हुआ है। पहला है प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक। जो हमारा पहला यूनिट है ये प्राचीन इतिहास से संबंधित, इसमें कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए जो प्राचीन इतिहास है इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लेकर के 1000 या कुछ विद्वान मानते हैं कि 1200 तक ये प्राचीन काल का इतिहास है। और जब तुर्कों का आगमन हुआ यानी भारत देश में जब तुर्कों का आगमन होता है एक अलग सभ्यता शैली का यहाँ विकास होता है, उस समय से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक यानी 1600 तक ये होता है मध्यकालीन। हालांकि कुछ विद्वान इसे 1700 और 1760 तक भी मानते हैं कि मध्यकाल का इतिहास 1200 से लेकर 1700 या 1200 से लेकर 1760 तक माना है। आधुनिक इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसमें अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात उन्होंने कैसे यहाँ राज किया, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए, ये सारी चीजें हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। और जो हमारे बाकी के यूनिट्स होंगे उसमें भी आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों के विषय में पढ़ना होगा। उन समय की प्राचीन स्थितियां क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, न्यायिक उस समय की संकल्पना क्या थी और न्यायिक सिस्टम क्या थे, उस समय के संगठन कैसे थे, कोर्ट्स कैसे थे, किस तरह से प्राचीन काल में विधि का निर्माण होता था, कैसे बनी विधिक चीजें, ये सब कुछ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। और जो हमारा पहला यूनिट होगा इसमें पूरी तरह से प्राचीन जानकारियां हम लेंगे। अब दूसरा देखते हैं कि इतिहास की परिभाषा, जो दूसरा हमारा पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग जो इतिहासकार हैं या जो विद्वान हैं इतिहास के उनकी परिभाषाएं अलग तरीके से आती हैं। तो किसी भी देश के बारे में अगर हमें जानना है, इतिहास है, इतिहास हमने जान लिया, अब इतिहास क्या है इसका अर्थ भी समझ लिया, लेकिन इतिहास को समझाने के लिए कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं रखी गई है, कोई सिंपल तरीके से नहीं बताया जा सकता कि इतिहास डेफिनेटली यही चीज है, अकाट्य रूप से यही चीज है, यही बात है, बल्कि अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषाएं दी हैं। देखिए चार्ल्स फर्थ ने तो ये भी कह दिया था कि इतिहास को परिभाषित करना सरल नहीं है, सभी इतिहासकार अपने तरीके से इतिहास के बारे में बताते हैं और क्या परिभाषाएं देते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपने शुरुआत में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ई एच कार के इस परिभाषा पर ही एक प्रश्न बन गया था, तो उनकी परिभाषा क्या है, दूसरा डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार क्या है, ये अगर किसी परिभाषा के हिसाब से आपका क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है तो आपको उसी अनुसार अपने आंसर को लिखना होगा, उत्तर को लिखना होगा। तो देखिए अगर हम परिभाषा में चलते हैं तो ईएच कार की जो परिभाषा है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने क्या कहा है कि वस्तुतः इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। तो इसमें यही है कि ईएच
पीएचकार ने कहा है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। ठीक है, ये कंटिन्यूस जो है डायलॉग है पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे परिभाषा इन्होंने दी है। और दूसरा देखिए बच्चों, हम परिभाषा देखते हैं, ये है डॉक्टर राधाकृष्णन का। डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उन्होंने कहा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति होती है। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार जो हैं वो इस कथन से सहमत नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन इसमें कुछ सत्यता हो सकती है कि अगर हमें अपने इतिहास, अपने बीते हुए कल से कुछ जानकारी लेनी है तो वो कैसे पता चलेगा, वो इतिहास से ही पता चलेगा। तो एक तरह से अगर हम इतिहास को विलुप्त करते हैं, हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र की स्मरण शक्ति गायब होती है। तो राष्ट्र की स्मरण शक्ति यानी जो कुछ बीत चुका है उनको जानना, ताकि हम अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास को समझ सकें, क्या था हमारा अतीत, क्या था हमारा प्राचीन काल और क्या था जो बीत चुका है। तीसरा देखिए आया है कि लाल बहादुर वर्मा ने कहा है, अतीत के प्रति मनुष्य का नैसर्गिक लगाव होता है, इतिहास इस लगाव को इतिहास बोध में बदल देता है। यानी आपने देखा होगा कि जो कुछ बीत चुका है हमें उन्हें याद करना, उन्हें जानना अच्छा होता है, अच्छा लगता है, और यही इतिहास बोध में बदलता है। जैसे आप कोई भी चीज अगर देखते हैं, किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को आपने देखा, तो एक परिकल्पना से उठती है कि आखिर यह पहली बार कब बना होगा या यह चीज कैसे उपयोग में लाया गया होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जब आप आज विधि के छात्र हैं तो विधि, कानून, लॉ कब ये पहली बार लागू हुआ होगा, कहाँ होगा जहां पहली बार विधि शब्द का या नियम शब्द का या कानून शब्द का पहला उपयोग हुआ होगा, एक सवाल आता है मन में। ऐसे ही कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो मन में आता है कि पहले कैसी रही होंगी ये चीजें, हमारे जो मकान से लेकर, हमारी राजनीतिक व्यवस्था से लेकर, हमारी धार्मिक चीजों को, हम सभी चीजों के बारे में एक सवाल अपने मन में पाते हैं कि ये पहले कहाँ से शुरू हुआ होगा, कब इसका विकास हुआ होगा, कैसे क्रमगत ये विकसित होते होते आज इस रूप में पहुंचा है। तो इन बातों का जवाब कहाँ है, हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में, और वहीं जाकर हम अपने इतिहास को जानने की, उनको क्रमबद्ध रूप से अब समझने की जो चेष्टा करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वही है इतिहास की जानकारी और इतिहास लेखन। आगे देखते हैं कि संवेदना और भावना की यथार्थ को बौद्धिक यथार्थ ज्ञान और विवेक में विकसित कर सकता है, अर्थात उस लगाव को प्रासंगिक और उपयोगी बना सकता है। यानी अतीत के लिए जो हमारा लगाव है वो प्रासंगिक तब बनता है जब उस लगाव से संबंधित चीजें हम बाहर निकाल कर ला रहे हैं। इसी तरह देखिए डॉक्टर ये कलिंगवुड ने कहा है कि इतिहास अद्वितीय ज्ञान है और यह मनुष्य के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्तमान में हम जो कुछ देख रहे हैं ये इतिहास से जुड़ी हुई चीजें रहती हैं, यानी अतीत काल में ये चीजें कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि के रूप में कार्य कर रही होती हैं। और आगे देखते हैं अगर हम, तो रेनियर कहते हैं कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के अनुभवों की कहानी है। देखिए इन्होंने कैसा अलग एक परिभाषा इन्होंने दी है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के अनुभवों की कहानी है। कौन से अनुभव हो रहे हैं, पहले के मनुष्य के उत्पत्ति का, उसका विकास क्रम क्या हुआ, कैसे वह धीरे धीरे करके सभ्यता की तरफ आता है, कैसे वह एक सभ्य समाज का निर्माण करता है, सभ्य समाज में कैसे एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यापार, फिर राजनीति, फिर वहां पे रहने वाले मनुष्य के अंतर आंतरिक चेतना, इन सब बारे में अर्थ व्यापार, इन सबके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, ये अनुभव कहाँ से आते हैं, हमारे पास्ट से, हमारे इतिहास से। और फिर आता है कि रेनियर ने हिस्ट्री को स्टोरी, उन्होंने एच को साइलेंट किया है, और स्टोरी के रूप में यानी कहानी के रूप में भी बताया है, और उन्होंने कहा है कि इतिहास जो है वो समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों और उपलब्धियों का उसमें उल्लेख होता है। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं कि इतिहास के विषय में किसी भी जगह पर कोई भी ऐसी सामंजस्यता हमें एक परिभाषा में नहीं मिलती है, लेकिन सभी ने अपने अपने तरीके से इतिहास को समझाने का प्रयास किया है, बताया है कि इतिहास क्या है।
और अगर हम सबको समराइज करते हैं तो इतिहास के बारे में एक चीज सत्य आ गया है कि यह बीती हुई घटनाओं का एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान है जो हमें जानकारी देता है कि आज जहां हम हैं, आज जो हमारे वर्तमान की परिस्थितियां हैं, इसमें हमारे अतीत में, हमारे प्राचीन काल में, हमारे विगत समय में कौन सी घटनाएं घटी हैं, उसी से संबंधित जो रिवॉल्यूशन हुआ है, जो आज हम जिस जगह हैं, उससे संबंधित क्या घटनाएं थी, क्या जानकारियां थी, ये हमें इतिहास देता है। तो बच्चों यहाँ जो है हमारा टॉपिक आज का ये खत्म होता है। और इसमें क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रिमाइंडर कर दूं कि ये जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, ये जो देखिए पहले जो दो क्वेश्चन है ये आपके पहले यूनिट्स के पहला जो टॉपिक है उससे संबंधित है कि इतिहास का अर्थ और परिभाषा और EHCAR के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है। तो देखिए अर्थ भी देना है, सेकंड क्वेश्चन जो बना है इसमें भी अर्थ लिखना है, लेकिन EHCAR ने जो परिभाषा दी है उसके संदर्भ में भी उस अर्थ को यहाँ पे आप व्याख्या करेंगे। और इसके बाद जो इसमें है इतिहास का अर्थ और परिभाषा, तो जिस तरह पूछा गया पहले इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, किन शब्दों से मिलकर इतिहास बना है, उसकी विशेषता क्या है, मुख्य लक्षण यानी उसके क्या है, और क्या महत्व है इतिहास का, हमें क्या जानकारी मिलती है इतिहास से, साथ में हमें इतिहास से अपने जो प्रासंगिकता आती है आज के समय में, वर्तमान के समय में हमें क्या जानकारी, क्या मदद मिलती है इतिहास से, और उसके बाद इतिहास की परिभाषा। परिभाषा में आप ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं कि जितनी परिभाषाएं आपको यहाँ बताई जा चुकी हैं सिर्फ उन्हीं को आप रखें। अगर आप बाद में भी कोई अच्छी परिभाषा आपको पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो आप उनकी सत्यता को समझकर या उनकी प्रासंगिकता, उसके यानी उपयुक्तता को समझते हुए उस परिभाषा को इसमें मिला सकते हैं। आज के लेक्चर में हम यही समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम सेकेंड टॉपिक अपना पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।